दोस्तों गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी चैनल्स पर चलने वाले इश्तहारात में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेसाख्ता और नेचुरल अदाकारी के सभी दीवाने हैं। भला क्यों ना हो, नवाजुद्दीन टीवी स्क्रीन पर सामने हो और आप इसे नज़रअंदाज करें, यह हो ही नहीं सकता। गैंग ऑफ वासेपुर का अंडरवर्ल्ड टाइकॉन हो या बजरंगी भाईजान का नवाब रिपोर्टर, फिल्म माम का जासूस हो या फिर बतौर मंटू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हर किरदार ऐसे करता है कि स्क्रिप्ट का सर भी फख्र से बुलंद हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद शोबिस की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल स्टाइल एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नवाजुद्दीन मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटू की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म के हवाले से सुर्खियों में रहे। इस फिल्म में इन्होंने मंटू का किरदार अदा किया था। फिल्म की रिलीज से पहले ही फिल्म बीनों ने इसके ट्रेलर और डायलाग प्रोमोज को बेहद सराहा। इस फिल्म के लिए नवाजुद्दीन के मुआवजे ने सबको हैरान कर दिया। फिल्म मंटू की हदायतकारा नंददा दास का अपने बयान में कहना था कि फिल्म मंटू के लिए ऋषि कपूर और जावेद अख्तर ने एक पैसा भी वसूल नहीं किया, जबकि फिल्म में सादत हसन मंटू बनने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस किरदार के लिए सिर्फ एक रुपया मुआवजा वसूल किया। कुछ अरसा पहले नवाजुद्दीन हिंदुओं के एक त्यौहार के दौरान रवायती राम लैला में स्टेज पर रामायण का किरदार अदा करने वाले थे, लेकिन बहुत सी हिंदू तंजीमों ने यह किरदार अदा करने से उन्हें रोक दिया था कि यह किरदार मुसलमान अदा नहीं कर सकते। बॉलीवुड अदाकार ने अपनी फिल्मी कैरियर में अब तक जितने किरदार अदा किए हैं वो मदाहों को बेहद पसंद आए हैं। इनका शुमार तीनों खान के साथ काम करने वाले चंद बॉलीवुड अदाकारों में होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गुज़श्ता साल अपनी किताब एन आर्डनरी लाइफ को शाद के बाद वापस लेना पड़ा था। अपनी खुद नोश्त को वापस लेने पर अफसोस का इजहार करते हुए नवाजुद्दीन ने कहा कि मैं फिर से किताब लिखूंगा और इस बार सब झूठ लिखूंगा। सब लोग खूब पढ़ेंगे क्योंकि मैं मारूफ हूँ, लोग पढ़ेंगे और वाह वाह करेंगे क्योंकि मारूफ लोगों की किताब सब पढ़ते हैं। मेरी किताब 209 सफ़ात पर मुश्तमिल थी, जबकि मेरे ताल्लुकात के बारे में इसमें सिर्फ 4-5 सफ़ात ही थे। मैंने अपनी किताब में उनका नाम के साथ जिक्र किया, जो मेरी गलती थी। इस किताब में नवाजुद्दीन ने अपने साथी अदाकारा नेहारेखा सिंह के अलावा कई ख्वातीन के साथ अपने ताल्लुकात को तफसील से बयान किया था। नवाज़ कहते हैं, मैंने इसका एतराफ़ किया और किताब वापस ले ली। इसके बाकी 204 सफ़ात में मैंने बताया कि मैं किस तरह छोटे से गाँव से आया, किस तरह तरबियत हासिल की, किस तरह मेरी सोच बदली, मैं जैसा भी अदाकार हूँ अच्छा या बुरा वो सब लिखा। मैंने इसमें अपना कसीदा नहीं लिखा था। ये किताब अंग्रेज़ी में ज़रूर थी लेकिन इसमें लिखी हुई बातें बहुत वाज़ेह और सच पर मबनी थी, जैसे कि मैं था। मैंने अपने गलत तसव्वुरात का जिक्र किया था क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ वैसे ही ख्यालात आम होते हैं। इसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगते हुए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, मैं हर उस शख्स से माफ़ी मांगता हूँ जिसके जज्बात हमारी याददाश्त एन आर्डनरी लाइफ की तहरीरों से मजरूह हुए हैं। इसका मुझे अफसोस है और इसलिए मैंने अपनी किताब वापस लेने का फ़ैसला किया है। फिल्म मंटू और ठाकरे के अलावा नवाजुद्दीन अपनी फिल्म न्यू लव इन रोम और सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक फिल्म में मसरूफ़ हो गए। अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नेशनल अवार्ड्स का कोई लालच नहीं। नवाजुद्दीन का कहना है, मैं नेशनल अवार्ड के लिए फ़िल्म नहीं करता और मैं जानता हूं कि मुझे नेशनल अवार्ड नहीं मिलेगा, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं इसलिए मुझे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। नामवर हदायतकार राजकुमार हैरानी से जब बॉलीवुड के बासलाहियत अदाकार के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने एक लम्हा सोचे बगैर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लिया, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दबंग खान भी बेहतरीन अदाकार करार दे चुके हैं। एक मौके पर इन्होंने एतराफ़ किया कि नवाजुद्दीन आने वाले वक्तों का सलमान खान है जिसकी तमाम फिल्में मकबूल होंगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और शोबिज़ की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।